आज क्लास जो है संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन आपको बताना है। हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है एकैकी फलन और आच्छादित फलन। तो ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है एकैकी फलन और आपको यहाँ पर आच्छादक फलन के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन बोर्ड में एकदम श्योर है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़कर एक बार 2023 की परीक्षा में जाएं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन प्रतिचित्रण यह सद्वय r स्टार एरो r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी निरंतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सब प्रांत r स्टार ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा? तो आपको इसमें यह बताना है, क्वेश्चन में इस यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक में आपको बताना है कि क्या ये एकैकी फलन है कि नहीं, उसके बाद क्या ये आच्छादक फलन है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, यदि प्रांत r स्टार को r स्टार के स्थान पर अगर n को रख दिया जाए और r स्टार के स्थान पर r स्टार ही रहे तब बताइए इसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो प्रतिक्षेत्रण दिया है इसको यहाँ पर उतारते हैं, दिया हुआ है प्रतिचित्रण दिया हुआ है f सद्वय r स्टार एरो r स्टार, ये दिया हुआ है, ये y का मान होता है और ये x का मान होता है, इसे प्रांत बोलते हैं, इसे प्रांत बोलते हैं और इसे सहप्रांत बोला जाता है। और fx का मान दिया हुआ है, fx बराबर दिया है 1/x। तो सबसे पहले इसमें देखिए एकैकी तथा आच्छादक, यहाँ पर देखिए अगर मान अलग अलग आता है तो वहां पर बराबर ही रहेगा और एकैकी फलन होगा। अगर मान समान आता है, मान समान आता है तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू होगा और वो एकैकी नहीं होगा, तो क्या होगा आच्छादक या बहुएकैकी फलन होगा। बिलांस अगर आएगा तो आच्छादक, नॉट बिलांस आएगा तो आच्छादक नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा अंतःक्षेपी फलन होगा। एकैकी फलन और बहुएकैकी, एकैकी और बहुएकैकी के लिए फार्मूला fx1 बराबर fx2 होता है, आच्छादक फलन के लिए फार्मूला y बराबर fx होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एकैकी फलन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एकैकी फलन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है fx1 बराबर fx2, और ये फलन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि fx बराबर दिया हुआ है 1/x। तो आपको यहाँ पर चाहिए fx1 का मान, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं कि पुट x बराबर x1 तो fx1 इज इक्वल टू 1/x1, और फिर अगर हम x बराबर x2 रखते हैं तो fx2 बराबर हो जाएगा 1/x2। तो fx1 का मान 1/x1 आया और fx2 का मान 1/x2 आया, तो यहाँ पर रख देते हैं मान, तो 1/x1 इज इक्वल, हाँ ये जो मान निकले हुए हैं fx1 का मान निकल कर आया 1/x1, fx2 का मान निकल कर आया 1/x2, ये मान यहीं पर रख दीजिए। तो fx1 का मान निकला है 1/x1 इज इक्वल टू fx2 का मान निकल कर आया है 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 या x1 इज इक्वल टू x2 कामा फॉर एवरी x1 कामा x2 इन बिलोंग्स, यहाँ पर लिखा हुआ है r स्टार,
आर स्टार लिख दीजिए। अब मान अलग अलग आएगा तो बराबर होगा, मान अलग अलग आएगा तो बराबर होगा, और बराबर अगर होगा तो एक एक ही फलन होगा। अगर मान समान आ गया, एक्स के अगर मान समान आ गया, एक्स बराबर वन एक्स बराबर वन आ गया, समान आ गया तो वहां पर होगा इज नॉट इक्वल टू, तो एक एक ही नहीं होगा। एक एक ही नहीं होगा तो होगा क्या, आच्छादक या बहु अकैकी फलन होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब यहाँ क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये आर यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या कुछ प्लस में होती है, कुछ माइनस में होती है, शून्य भी होती है, लेकिन यहाँ पर शून्य को नहीं लेना। ऋणेतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं को आप ले सकते हैं। जैसे एक्स बराबर वन ले लिया तो एक्स बराबर माइनस वन ले लिया, एक्स बराबर टू ले लिया तो एक्स बराबर माइनस टू ले लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक्स बराबर वन ले लिया, तो जब एक्स बराबर वन ले लिया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए ये मान कहाँ पर आपको रखना है, इसको रख कर दे रहे हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर सपोज दैट अगर आप x बराबर वन ले, क्योंकि वास्तविक r माने वास्तविक संख्या, हमें वास्तविक संख्या लेना है, तो x बराबर वन ले लीजिए, तो x बराबर वन कहाँ रखोगे, इसमें रखना है। तो f x के स्थान पर वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन बराबर वन आ गया। अब एक माइनस का ले लीजिए, तो जब x बराबर माइनस वन यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए जब x बराबर आपने 1 लिया तो f 1 बराबर क्या आया, 1 आ गया। और जब आपने x बराबर 2 को रख दिया, जब x बराबर 2 रख दिया तो f 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो f को 2 नहीं लिया गया, x बराबर माइनस 1 लिया गया। जब आपने x बराबर माइनस वन ले लिया तो f माइनस वन का मान कितना आ गया, आ गया माइनस वन। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर वन पर f वन का मान वन आया, और x बराबर माइनस वन पर x बराबर माइनस वन पर मान f माइनस वन का मान माइनस वन आया। तो अब ये देखिए मान अलग अलग आ गए, ये दोनों मान एक समान नहीं आए। तो जब दोनों मान एक समान नहीं आए हैं, मान अलग अलग आया है, तो ये बराबर का बराबर ही रहेगा, बराबर का बराबर ही रहेगा, और अगर बराबर होगा तो एक एक ही फलन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एक एक ही फलन है, अतः एकैकी फलन है। तो एकैकी फलन है, अब आप चेक करेंगे क्या ये आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, फार्मूला आप लिखा वाई बराबर एफ एक्स होता है, और इसमें एक्स का मान वाई के पदों में ही होता है, एक्स का मान वाई के पदों में ही होता है। तो अब हम आच्छादक के लिए काम करते हैं, यहाँ आच्छादक के लिए काम होगा। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, वाई बराबर एफ एक्स होता है, सूत्र है, तो वाई बराबर एफ एक्स ले लीजिए। अब वाई बराबर एफ एक्स लिया तो सारा काम यहाँ वाई से ही होगा, सारा काम वाई से ही होगा। तो अब वाई बराबर आपने एफ एक्स ले लिया, तो ये बताइए कि एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान वाई के पदों में ही होना चाहिए। तिरछा गुणा कर देते हैं, वाई एक्स बराबर एक एक का एक हो जाएगा, और एक्स बराबर ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ये एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन वाई। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर वन अपॉन वाई इन बिलोंग्स, लिखा यही वाला जाएगा एक्स वाला, ये लिखा हुआ आर स्टार। अब इस पर चेक करते हैं, अब इस पर चेक करते हैं आर वाई, आर क्या है, आर एक
वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले x बराबर 1 लेते हैं, तो x बराबर 1 कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे, और इसमें रखेंगे कहाँ पर, x का मान y के पदों में, वो होता है, क्या होता है कि यहाँ पर सारा काम y से होना है, y, तो यहाँ y बराबर माना जाएगा, x बराबर 1 अपन y निकल कर आया है, अब यहाँ पर हम y का मान क्या लेंगे, 1 ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि ये वास्तविक, r स्टार क्या, r क्या, वास्तविक, तो वास्तविक संख्या कुछ प्लस में होती है, कुछ माइनस में होती है, तो यहाँ पर y बराबर लिखा जाएगा, x बराबर नहीं लिखा जाएगा, x में क्या होता है, एकैकी में यहाँ से लिया गया था, और अच्छादक में y वाला मान लिया जाता, तो जब y वाला मान लिया जाता तो यहाँ y बराबर माना जाता है, तो y बराबर 1 ले लीजिए, ये y बराबर 1 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये x का मान आ जाएगा 1/1, अर्थात x बराबर आया 1 in belongs, यहाँ पर r स्टार है तो r स्टार लिख दीजिए, क्या 1 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो 1 एक वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर बिलांस होगा, 1 एक रियल नंबर है तो यहाँ पर बिलांस ही रहेगा। फिर देखिए क्या करिए, y का मान आप -1 ले लीजिए, तो जब y का मान -1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/-1, यहीं पर रख दिया गया, तो x बराबर निकल कर आया -1 इन बिलोंग्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, r स्टार, क्या -1 रियल नंबर है, हाँ -1 रियल नंबर है, तो ये बिलांस है, ये बिलांस है, बिलांस ही रहेगा, और बिलांस आने पर क्या होता है, अच्छादक फलन होता है, अच्छादक फलन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक अच्छादक फलन है, f एक अच्छादक फलन है, तो ये पहली कंडीशन में क्लियर हो गया, एक एकी फलन हुआ, अच्छादक फलन हुआ, एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से देखना है कि यदि प्राण, इसको प्राण, इसको सप्राण बोलते हैं, यदि प्राण r स्टार को n से बदल दिया जाए, r स्टार के स्थान पर अगर n ले लिया जाए, जबकि सप्रांत r स्टार ही रहे, क्या कह रहा है, प्रांत r स्टार के स्थान पर n ले लें, लेकिन इसमें कोई बदलाव ना हो, तब क्या हो, तब परिणाम क्या होगा, ये इसमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप रब कर दे रहे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ लिखते हैं प्रतचित्रण, प्रतचित्रण में क्या दिया हुआ है, हमारा देखिए दिया हुआ है f सच दैट, अब r स्टार के साथ में क्या बोल रहा है, l नेचुरल नंबर अगर ले लें और सप्रांत वैसे के वैसे ही रहे, कोई बदलाव ना हो, यदि प्रांत r स्टार के स्थान पर l ले लीजिए, तो r स्टार के स्थान पर हमने l ले लिया और सा प्रांत में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा, और fx बराबर दिया है, और यहाँ पर जो fx बराबर दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 1/x दिया हुआ, fx का मान क्या दिया हुआ, fx का मान दिया है 1/x दिया हुआ, fx बराबर 1/x दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, वही एकैकी चेक करिए भाई, एकैकी है या नहीं, उसके बाद एकैकी चेक होगा तो अच्छादक चेक होगा, तो सबसे पहले एकैकी के लिए फार्मूला होता है fx1 बराबर fx2, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला है f एकैकी के लिए fx1 बराबर fx2, ये एकैकी के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है, देखिए दिया हुआ है कि fx बराबर 1/x, हमें x1 चाहिए, तो क्या करते हैं कि put x बराबर x1, तो f x के स्थान पर x1 लिख दीजिए, 1/x1,
फिर हमें चाहिए एक्स टू, तो एक्स बराबर एक्स टू रख दीजिए इसमें, तो क्या आएगा, एक्स के स्थान पर लिखेंगे एक्स टू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स के स्थान पर लिख देंगे हम एक्स टू, तो एफ एक्स वन का मान आया है वन अपॉन एक्स वन और एफ एक्स टू का मान आया है वन अपॉन एक्स टू, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक्स वन बराबर एक्स टू, अर्थात एक्स वन बराबर एक्स टू एक एक के लिए लगाया जाता फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू इन बिलोंग्स, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया एन आ गया, तो यहाँ पर एन लिख देंगे। अब इसको जरा चेक करते हैं एन क्या है, नेचुरल नंबर, अब यहाँ पर हम दो नेचुरल नंबर ले लेंगे, दो ले लीजिए बस बहुत है, नेचुरल नंबर में क्या होता है प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती कौन है एक से लेकर अनंत तक होती है, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे हम एक्स बराबर वन ले लीजिए, और यह एक्स बराबर वन कहाँ रखेंगे इस फार्मूले में रखेंगे जो दिया हुआ है, एफ एक्स के स्थान पर वन लिख दीजिए इज इक्वल टू वन अपॉन यहाँ पे लिखेंगे वन, अर्थात यह वन का मान निकल कर आया वन, फिर क्या लेंगे नेचुरल नंबर लेना है एक्स बराबर टू लीजिए, तो एक्स बराबर अगर वास्तविक संख्या होता तो एक प्लस एक माइनस लेते, नेचुरल नंबर है तो एक वन ले लीजिए टू ले लीजिए आदि, और भी ले सकते लेकिन दो ही काफी है, तो एक्स बराबर एक्स टू रख दीजिए यहाँ पर, एफ एक्स के स्थान पर एक्स टू लिखेंगे और सॉरी क्या करेंगे एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे टू लिखेंगे इज इक्वल टू वन अपॉन टू और दो से इसको डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा जीरो पॉइंट फाइव। अब देखिए एफ वन का मान वन आया और एफ टू का मान जीरो पॉइंट फाइव आया, तो मान अलग अलग आए, मान अलग अलग आने पर बराबर ही लिखा रहता है, तो ये यहाँ बराबर का बराबर ही रहेगा, तो जब बराबर रहेगा तो बराबर होने पर वो एक एक ही फलन होता है, मान अलग अलग आता है तो बराबर होता है, बराबर हो लगा रहता है और बराबर लगा रहता है तो वो कौन सा फलन होता है एक एक ही फलन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। अब हम चेक करते हैं क्या आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए फॉर्मूला होता है y बराबर fx होता है, तो इसको रद्द कर दे रहे हैं, y बराबर होता है fx, y बराबर fx होता है और इसमें x का मान y के पदों में होना चाहिए, तो देखिए fx का मान दिया था 1 अपॉन x, इसमें x का मान y के पदों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए yx इज इक्वल टू 1 या x बराबर 1 अपॉन y या x बराबर 1 अपॉन y इन बिलोंग्स, यहाँ पर यह तो यहाँ पे यह लिख दे, चेक करिए नेचुरल नंबर क्या करते हैं ओ, यहाँ पर ये क्या होता है ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया ये यहाँ पर साफ प्रारूप होता उतारा, क्योंकि आच्छादक के लिए जो फार्मूला होता है y बराबर fx होता है, तो यहाँ पर x का मान नहीं लिया जाता है, आच्छादक में y बराबर लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे y बराबर लेंगे ये y है, क्योंकि इसमें हम आच्छादक के लिए यहाँ ये y वाला मान होता है, तो y बराबर क्या होता है fx होता है, तो यहाँ पर y के नीचे क्या है ये वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या मानेंगे, एक प्लस ले लीजिए और एक माइनस ले लीजिए, मान लीजिए हमने y बराबर 1 ले लिया, तो y बराबर 1 कहाँ रखना है y बराबर 1 इस फार्मूले में रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर लिख जाएगा ये क्या लिया गया है यहाँ पर y बराबर क्या मानना है y बराबर आपको 1 लेना है, तो y बराबर 1 को कहाँ रखना है यहाँ पे रखना है, देखिए तो x बराबर 1 अपॉन y के स्थान पर 1 लिख दीजिए, x बराबर आया 1 यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स,
यहाँ पे लिखा एन, एन लिख दीजिए। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये बिल्कुल बात सत्य है। अब एक माइनस ले लेंगे, वाई बराबर माइनस वन, इसमें रख दीजिए, तो एक्स बराबर वन अपॉन माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन बिलोंग्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह तो यहाँ पर यह लिख दीजिए, क्या माइनस वन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? नहीं, माइनस वन नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग्स पर आच्छादक नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि अतः एफ एक आच्छादक फलन नहीं है। हाँ ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यह एक आच्छादक फलन नहीं है। लास्ट में इसका आंसर लिख देते हैं, अतः एफ एकाएकी, एफ ए एकाएकी, एफ ए एकाएकी फलन है, एफ ए एकाएकी फलन है, लेकिन लेकिन यहां लिख देंगे आप जगह में, यक एक, लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, यक एक एकाएकी फलन है, लेकिन लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने आपको एकाएकी फलन के बारे में बताया, आच्छादक फलन के बारे में बताया, और एकाएकी और आच्छादक से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2023 में इस वीडियो को, इन प्रश्न को आप पढ़कर और जाइए, और परीक्षा में आप 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।